আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেলটা আরম্ভ হয়েছে গাইস, এটো কারণে আমি প্রিপারেশন কৰি আছো আর অল্প পিছত আমি ভিডিওস কিনি বনাম। 300k সাবস্ক্রাইবার্স পার্টি, 1 ম্যাঙ্গো শেক। খতরো কে খিলাড়ি। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार और अपना लोग सकल के मोर यूट्यूब चैनल ले पुनर बार स्वागत जनाइस। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाइए और मेरा लास्ट व्लॉग देखिए, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैं कहाँ आई थी, लोनावला, और अभी भी मैं लोनावला में ही हूँ। कल आई थी मैं, आज अभी नेक्स्ट डे है और आज हम मुंबई रिटर्न होंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा घूमेंगे और इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। हम सुबह उठ के फ्रेश हो गए हैं, नहा वहा लिया, सब कुछ कर लिया और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वील गो टू रोम। हम सोच रहे कि टाइगर हिल और फिर कुछ ऐसे है जगह वो हम देखने के लिए जाएंगे सोच रहे, पर उससे पहले ब्रेकफास्ट कर रहे एंड हेयर इज आवर सौरभ हजार का। गुड मॉर्निंग। चलो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वील मूव टू कहा टाइगर हिल्स एंड बुशी डैम। सो लेट्स गो। I can feel I'm changing, I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. So, अभी मैं हमारा ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली ब्रेड पे बटर लगा रही हूँ एंड देन ये लेक व्यू और हवा वादिया, उसके बीच में हम करेंगे ब्रेकफास्ट। What can be more beautiful than this? फोटोग्राफर, मॉडल और हम कर रहे हैं फोटोशूट। हमारा नतुन यूट्यूब चैनल तो आरम्भ हैछे गाइस, एतो कारणे आमी प्रिपरेशन करि आछो आर अल्प पिछत आमी भिडिओस किनि बनाम। सो मैंने भी अपना चेंज कर लिया, मतलब मैं जो पहला वाला चेंज था उसमें मैंने पिक्चर्स क्लिक करवा ली एंड दिस इज माय सेकंड चेंज। और ये मिरर में देख सकते हैं, समवन इज मिमिकिंग मी। सो अभी हम, मैंने इसमें भी क्लिक कर लिया और अभी हम करने जा रहे एक वीडियो रिकॉर्ड। और वो वीडियो क्या है ये हम आप लोगों को बहुत जल्द बताएंगे। हमारा टाइम हो गया है चेकआउट का और अभी हम जा रहे हैं नीचे तक, वहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, उसके बाद हम जाएंगे टाइगर हिल्स एंड देन जाएंगे कहीं कहीं पे, मुझे नाम याद नहीं, नाम भूल गई यार। इट वाज आवर विला एंड दिस इज द व्यू, सो लेट्स गो। सो हम बैठ गए हैं अपने कार में और बाय बाय बोल दिया डिवाइन विला बाय विभाती, है ना, विभाती रिजॉर्ट, विभाती रिजॉर्ट, डिवाइन विला बाय ड्रीम विला। हाँ, डिवाइन विला बाय ड्रीम विला विभाती रिजॉर्ट के ऊपर है। विभाती रिजॉर्ट के डिवाइन विला इज द कॉटेज जो सबसे ऊपर है, और नीचे वाले विभाती रिजॉर्ट। ओके, सो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। पर हाँ, मैं बस एक बात बता देना चाहती हूँ, जिन्हें थोड़ा यू नो आइसोलेटेड प्लेस से थोड़ा सा यू नो डर लगता है या फिर इंसेक्ट, इन सबसे रेप्टाइल्स, इन सबसे डर लगता है, तो आप प्लीज एक बार सोच लीजिए आने से पहले, बिकॉज दिस कैन यू नो बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। मुझे इतना डर नहीं लगता है यू नो कीड़े मकोड़े से, उसे बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि हम जब रात में यू नो खा भी रहे थे तो वहाँ पे यू नो फ्रॉग्स एंड ऑल ये सब आ गया था एंड ही ऑलमोस्ट पैनिक्ड, लाइक उनको देखने के बाद ही ऑलमोस्ट पैनिक्ड। पर सो मुझे इन सबसे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है इससे एंड लीच, लीच से मुझे बहुत यू नो डर भी नहीं, यू नो आई जस्ट कांट बेयर देम, मतलब इतना क्रिंज, वैसा अजीब सा ही लगता है मुझे लीच, और इससे तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इन सब का डर है तो
तो एक बार सोच लीजिएगा आने से पहले, ताकि बाद में आफ्टर रीचिंग हियर यू डोंट पैनिक एंड ऐसा नहीं हो कि अदरवाइज द व्यू द फील एवरीथिंग इज सो पॉप लाइक सो पॉप. बट जस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि यही एक चीज़ है जो और बहुत यू नो फ्लाइज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप व्यू में है एंड लाइट्स ऑन रहता है तो फ्लाइज भी बहुत ज़्यादा है. यस और रात को यू नो सोते टाइम भी फ्लाइज कैन डिस्टर्ब यू यू नो आपकी बॉडी के ऊपर. सो वो सब भी सोच लीजिएगा देन यू डिसाइड टू कम हियर. मैं विला का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. जिनको इन सबसे कोई डर नहीं लगता यू आर मोस्ट वेलकम, मतलब आ सकते हो यहाँ पे. एंड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं जस्ट रह रही थी और सो आई जस्ट यू नो एक्सप्लेन आप लोगों को कि कैसा है. आई एम श्योर आप लोगों को भी जानने का मन होगा शायद. एंड इट ऑलमोस्ट कॉस्ट आज कितना हुआ रिजॉर्ट का, हमने बुक किया था रिजॉर्ट 11,000 में फॉर अ नाइट एंड खाने का हमारा हुआ 1,300. हमने इतना मतलब अच्छा ही खाया, हमने चिकन टिक्का फिर चिकन कढ़ाई एंड मैगी एंड ऑल ये सब भी खाया था. तो खाने का आई थिंक वेरी रिजनेबल प्राइस, बहुत रिजनेबल है. एंड स्टेइंग का तो मैंने बता दिया 11 to 12,000. यस सो बट दिस इज वेयर आई थिंक मतलब यू नो हर दिन हम काम ही करते हैं इसलिए कि थोड़ा सा हमें शांति मिल पाए और हम आए थे वही ढूंढने के लिए और हमें मिली भी शांति. एंड नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट हम जा रहे हैं कहाँ पे, टाइगर हिल, डायनासोर पार्क. सो सबसे पहले हम जा रहे हैं डायनासोर पार्क एंड हाँ एंड देन कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो. We have reached Tiger Point, Hill Point, the highest point of Lonavala. ये सबसे ऊपर है. हालांकि हमें ये फील नहीं हुआ है क्योंकि हम गाड़ी में हैं, पर यू कैन सी द व्यू. नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे हमने देख लिया, लोगों ने पूरा गंदा करके रख दिया यार, कितना अच्छा है ना, नेचुरल है चीज़ एकदम. खा पी के वहीं पे डस्टबिन वस्टबिन रखना चाहिए, वहाँ पे फेंको, पूरा सब तहस नहस कर देते हैं लोग. तो मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट. अभी हम जा रहे हैं भूसी डैम. यहाँ से पता नहीं कैसे ही जा रहे, जंगल के अंदर से जाके इस तरफ से जाना है. खतरों के खिलाड़ी पहला रहा. कपड़े धोते हैं लोग यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट. बस कपड़े ही धोते हैं ना. हाँ शायद. So this is the dam, I guess. Dam के उस पार हमें पानी मिलेगा. बिचारी पानी नहीं मिला. No water. Tired. ओरे ओरे इमान दूर पर सब ऐसो. हमारे घर बीच वाले का पुखरी तो है. खत्म हो गए गर्मी में. हम गए भूसी डैम. एक्चुअली क्या है, लॉजिकल बात ये है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट से हैं तो हमारे वहाँ पे ये सब बहुत कॉमन चीज़ है. मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि सुंदर नहीं है, डेफिनेटली जब पानी ऊपर आया मतलब पानी ऊपर आएगा तब बहुत सुंदर लगेगा, पर हमारे वहाँ पे शिलोंग फिर ये सब सिक्किम दार्जिलिंग इन सब में ना ये हर घर के पीछे रहते हैं. ऐसा आई एम फ्रॉम असम तो हमारे वहाँ पे भी यू नो हर घर के पीछे हम उसको बोलते हैं ना पुखुरी वो रहता है. तो दैट इज़ काइंड ऑफ ऐसा ही होता है. तो हमारे लिए मतलब ये वैसा नहीं है, माइंड ब्लोन वाला कोई चीज़ नहीं है,
पर यहाँ पे जो रहते हैं बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा यू नो सिटी के माहौल है, वो एकदम ओनली बिल्डिंग्स मॉल्स ये सब चीज, जो इसलिए जो यहाँ पे आते तो उनको ऐसा फील होता है कि अच्छा अच्छा लोग कुछ है, पर हमने बहुत यू नो बहुत देखा है, बहुत शिलोंग विलोंग जब जाते चेरापुंजी वहाँ पे हर दो मिनट के बाद एक वाटरफॉल आता है, हर दो मिनट के बाद एक लेक आता है, तो इट्स क्वाइट कॉमन इन आप लेक। सो ये है सारे चिकीज और ये केजी के दाम है। और ये सारे चॉकलेट। सो अभी हमने ले लिया है चिकीज एंड चॉकलेट्स, ये है जली का डब्बा एंड देन ये अगेन जली का डब्बा, फिर उसके बाद लिया है दो पैकेट चिकीज क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है, ऊपर से मैसेज करके भी बोला गया अगर खाली हाथ आई तो खाली हाथ ही वापस भेज देंगे, तो मैं खाली हाथ क्योंकि जब मैं आसाम गई थी तो मैं सिर्फ लड्डू ही लेके आई थी, जो हमारा होता है तेल पीठा वो मैंने खुद खा लिया और बाकी जो पीठा था वो तो मैं नहीं लेके गई, मैं एक्चुअली सोच रही थी मैं घर पे ही खाऊंगी पर वही रख रख के वो ख़राब हो गया क्योंकि मुंबई में बहुत जल्दी चीज़ों में ना फंगस लग जाता है, और इसको दिया था इसने अपना खा लिया, और नारियल के लड्डू मैंने उनको दिया था पर वो लोग बोल रहे कि सिर्फ नारियल के लड्डू लेके आई, तो अभी मैं सोच रही हूँ ठीक है जितना भी मैंने वो बोला था कि बहुत सारा कुछ लेके आऊँगी वो मैं सोच रही हूँ कि इस बार दे दूँगी, मैं चलो चिक्की खा लो जली खा लो चॉकलेट खा लो, खुश हो जिंदगी में तुम भी क्या याद रखो किससे पाला पड़ा था। तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू मुंबई स्ट्रेट टू मुंबई एंड मुंबई सच में पहुँच के ऐसा यू नो सांस आ जाती है, जैसे जान में जान आ जाती है वैसा टाइप का फील होता है, दो बहुत महीना नहीं हुआ है पर भी कुछ बहुत अपना सा लगता है मुंबई क्योंकि मुंबई सबको अपनाती है। एंड नाउ लेट्स गो। सो मैं पहुंच गई हूँ घर और अभी नहा के आ गई हूँ, मैं फ्रेश होके आ गई हूँ क्योंकि कल दिवाली था छोटी दिवाली और उस दिन मैं यू नो कुछ कर नहीं पाई घर पे क्योंकि मैं चली गई थी, तो मैंने सोचा है कि आज अभी मैं थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ पहले भगवान को, फिर उसके बाद रंगोली बनाऊंगी, ट्राई करूंगी पहली बार रंगोली बनाने की। तो मैं नहा के आ गई हूँ, बाल बाल धो लिया, पूरा फ्रेश हो गई हूँ मैं और अभी मैं अच्छे से मंदिर में रहूँ, ये छोटा सा मेरा मंदिर है यहाँ पे मैं दिया धूप ये अगरबत्ती ये सब जला के पूरे घर में थोड़ा सा यू नो पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड कर देती हूँ एंड देन दिवाली लेने सॉरी एंड देन रंगोली वो लेने के लिए मैं जाऊँगी बाहर, फिर आके मैं रंगोली बनाऊँगी। येलो ब्लू ऑरेंज ग्रीन ये वो लाइट ग्रीन दीजिए। सो अभी हम आए हैं रंगोली लेने के लिए, हाँ पाँच ही दे दीजिए हो जाएगा। अभी हम आए रंगोली लेने के लिए, मैं बस दिया जला के ही आ रही हूँ और घर जाके बनाऊंगी रंगोली, फिर उसके बाद थोड़ा सा तैयार होंगी एंड देन मैं जाऊँगी बाहर। और अभी मैं बनाने वाली हूँ रंगोली फॉर द फर्स्ट टाइम, कोशिश करने वाली हूँ ऑब्वियसली, गूगल से देखूंगी और फिर लेट्स सी कैसा बनता है। We are going to make the rangoli with lots of jugards क्योंकि ये round बनाना है और round obviously मुझे नहीं आता है बनाना, तो हमने use किया है tiara जो सौरभ ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया था यार बाकी लोनो heavy ना वो पतला तो यार किबा किबी experiment कोई चाहता है मेहंदी और कास्टाइल और माही मिली इतिया ओ इतिया round तो दिखो बोले जो बचपन में हम बनाते थे, अभी मैं कुछ करती हूँ इसका, आई एम श्योर मैं कुछ अच्छा करूँगी। और सौरभ बहुत बोल रहा है बहुत बोल रहा है, तो मैंने उसको किया है चैलेंज कि तुम भी बनाओ, तो वो भी अभी बनाने वाला है और देखेंगे कि किसका अच्छा बना है।
तो ही इज ऑल्सो गोना मेक अ रंगोली, अभी शुरू किया है उसने. ठीक है सर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ही तो सैंडल और रंगोली एक और ही शेप भी से स्क्वायर रंगोली आप दे स्क्वायर रंगोली बनाओ ही. कि यू आर डन भागल लगी वाले की रुवा and mine is in you know process. देती हूँ ताकि और खूबसूरती आ पाए इसमें. सिंपल सिंपल. That one is beautiful but little bit complicated. Mine is very simple and very sweet. और अभी आप लोग बताइए हमें कमेंट्स में कि किसकी रंगोली ज्यादा सुंदर है. किसकी रंगोली ज्यादा सुंदर है अभी आप लोग बताइए हमें. I mean because मेरा रंगोली बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही स्वीट सा है और इसमें बहुत ही डेप्थ है क्योंकि मैंने जो रंगोली बनाया वो मतलब एक फूल पानी के अंदर. एंड बेंडो तो आप लोग बताइए किसकी रंगोली सबसे ज्यादा सुंदर है. सो मैं आई थी थ्रेडिंग करने के लिए. एक्चुअली मैं थ्रेडिंग और पेडिक्योर दोनों करने के लिए आई थी पर पेडिक्योर करने का अभी टाइम नहीं है तो उन्होंने बोला कि बस थ्रेडिंग ही कर पाएंगे. बस थ्रेडिंग किया और ऐसे ऐसे निकालते ना जान निकल जाती है और स्पेशली अपर लिप्स में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है. तो कर लिया कैसे भी करके. अभी हम पियेंगे क्या जूस शेक. तो अभी हम पियेंगे शेक बनाना शेक एंड देन घर जाऊंगी फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी. यहाँ पे आए हम शेक पीने के लिए. सो इसका बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का पर नो मैं बस मैंगो शेक पीऊंगी विदाउट आइसक्रीम क्योंकि ऑलरेडी यूज कफिंग उसको खांसी हो गई है और बस अगर मैं आइसक्रीम के साथ खाऊंगी तो उसका भी खाने का मन करेगा. तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग. You want to have ice cream? Let's have for the last time. See guys, what a good guy he is. एक मैंगो शेक हमें मिला था और उसे मुझे ऑफर करने के बजाय उसने खुद के लिए ले लिया है. See this. This is how he. ये है मैनर उसका. So mannerless. So mannerless. So did you like my 300 party? 300 के subscribers party. One mango shake. This is just 30% of 300k party. This is just the starter. I need the main course and the sweet dish too. Even if things never go back.